हेलो एवरीवन, मैप के सहारे जो है हम लोग एक बार पूरे चैप्टर को देख लेते हैं समरी के फॉर्म में, ताकि आपको मैप के हिसाब से अच्छे तरीके से जो है वो याद रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं तो जो चैप्टर है हमारा, आप सभी को पता है कि जो चैप्टर है वो है इंडिया लोकेशन साइज और लोकेशन से नाम से जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर चैप्टर जो है वो दिया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले देखोगे आप कि यहाँ पर ये जो है आपको इंडिया का जो है वो पूरा मैप दिया गया है, यानी कि ये पूरा जो है वो आपको इंडिया का मैप जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा मैप गलत है, वो इस वजह से कि ये देखोगे पूरा इंडिया रीजन जो है वो इंडिया वाला है, और इसमें भी जो है वो ऐसे कुछ जो है वो बट गया है, जो है ये बलूचिस्तान वाला इलाका जहाँ पर लद्दाख वाला इलाका है, और ये जो है वो कश्मीर वाला इलाका है, और ये वाला इलाका जो है वो पाकिस्तान जो है थोड़ा कब्जा कर रखा है, तो वैसे जो है ये कब्जा कर रखा है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो है पूरा इंडिया का मैप है, और आपको जो है यहाँ पे इस मैप के हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए कि इंडिया के अगल बगल में जो है वो सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप इंडिया को जो है वो अच्छे से जानोगे। अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो है पूरा इंडिया है, और ये जो है आपको ईस्ट है, ईस्ट में जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, और ये जो है हमारा अंडमान निकोबार का जो है वो आइलैंड है, जो कि आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये अरबियन सी है, और यहाँ पे जो है आपको लक्षद्वीप जो है वो देखने को मिलता है। इस तरह से लक्षद्वीप जो है आपको ये वाला एरिया जो है वो लक्षद्वीप का है, यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अलावा ये जो है आप ऊपर से देखोगे तो इधर से जो है आपका जो पड़ोसी है ये पाकिस्तान आता है, यहाँ पर ऊपर जो है वो अफगानिस्तान आता है, इधर ये जो है पूरा ये तिब्बत वाला इलाका है यहाँ तक, जो कि चाइना जो है वो कब्जा कर रखा है, तो चाइना हुआ इधर से पड़ोसी, और ये जो है आपको नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश, और ये पूरा जो है यहाँ से ये म्यांमार है जो कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और नीचे दो और पड़ोसी देश हैं जो कि ये है श्रीलंका, और यहाँ पे जो है आपको मालदीव देखने को मिलेगा नीचे, और ये जो है श्रीलंका पल्क ऑफ स्टेट या गल्फ ऑफ मनार से जो है ये जो है इंडिया से सेपरेट होता है। तो ये तो हो गया इंडिया का जो है वो लोकेशन हो गया कि कहाँ पर है, और पूरा नीचे इंडिया का ही देखोगे ये जो है आपको इंडियन ओशियन जो है वो देखने को मिलेगा, तो ये पूरा जो है इंडियन ओशियन का रीजन है। अब यहाँ पे मैप तो जो है अब आपको समझ में आ गया कि आपके नॉर्थ में कहाँ क्या क्या है, और यहाँ पे आप देखोगे नीचे साउथ में क्या क्या है। अब इंडिया के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये वाला पूरा रीजन है ना, ये वाला ऐसे, तो ये वाला जो है ये पूरा हिमालय वाला रीजन है, यानी कि ये जो है पूरा हिमालय का रीजन है जहाँ पर आप देख रहे हो। इसको एक बार जो है मैं मिटा देता हूँ, और उसके बाद जो है हम इसको एक बार अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले देखो जो ये वाला रीजन है पूरा, यहाँ से लेके ये पूरा, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये रीजन आता है पूरा हिमालय रीजन आता है। हिमालय में आपको पता है कि टोटल तीन लेयर जो है वो हिमालय के हैं, जो मैं आगे जो है वो पढ़ाऊंगा तो उसमें जो है मैं आपको बताऊंगा वो लेयर कौन कौन से होते हैं। तो पूरा जो है ये हिमालय वाला रीजन आता है। उसके बाद से जो आता है ये पूरा प्लेन वाला इलाका आता है, जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ जो है वो आ रही हैं, कुछ हिमालय से निकल के कुछ इधर से जो है मिल के ये यहाँ पर जो है मेन नदी जो है वो गंगा बहती है, और इधर से ब्रह्मपुत्र जो है होकर चाइना से ऐसे तिब्बत वाला इलाका से पूरा ऐसे जो है वो के ये यहाँ से आप देख रहे हो ये नदी जो आ रही है, तो यहाँ से जो है ये अरुणाचल प्रदेश से इंटर करके ऐसे बांग्लादेश से होता हुआ, और ये भी जो है ऐसे कोलकाता से होता हुआ बांग्लादेश में गंगा जो है आके पद्मा बनती है दोनों मिलके, और फिर यहाँ पे जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये टोटल आता है एक प्लेन वाला इलाका, जहाँ पर ये प्लेन वाला इलाका हो गया, यानी कि पहले जो है ये पर्वतीय वाला इलाका है, माउंटेनियन रीजन है, उसके बाद ये प्लेन वाला इलाके आते हैं समतल वाला, और उसके बाद से आप देखोगे इधर जो है ये मरुस्थल वाला इलाका है, ये राजस्थान वाला पूरा इलाका है, ये गुजरात वाला इलाका है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इधर एक तो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और ऊपर से दूसरा अरबियन सी से जो है से जुड़ा हुआ है, जहाँ से हमारे व्यापार जो है ये भी बहुत सारा होते रहते हैं। उसके बाद आता है एक डेक्कन प्लेटू जो है वो आता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे तो डेक्कन प्लेटू जो है देखेंगे ये वाला। अब डेक्कन प्लेटू के बीच में इधर भी आओ तो पूरा प्लेटू वाला रीजन है, माउंटेनियर रीजन है, जहाँ पर नदियाँ जो है वो दो तरह से बहती हैं, एक ईस्ट की तरफ से जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, और एक जो है आपको इधर गिरती हैं अरबियन सी में, जो कि वेस्ट की तरफ जो है बहती हैं। तो ये जो है हो गया पूरा इंडिया का जो है एक ओवरव्यू जो है आपने देख लिया कि इंडिया किस तरह से जो है आपको देखने को मिलता है। अब इंडिया तो ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन इसका लोकेशन क्या है, जो कि हमारे चैप्टर का पहला ही टॉपिक है कि लोकेशन जो है वो क्या है। इंट्रोडक्शन जो है मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया, अब हम देखते हैं कि लोकेशन जो है इंडिया का क्या है। तो लोकेशन में आप देखोगे कि सबसे पहले मैंने बताया था कि जो लेटिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, उसके सहारे जो हम लोग किसी भी जो एरिया होता है उसका लोकेशन हम ज्ञात करते हैं। अब सबसे पहले जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखोगे आपको जो है कुछ ये लाइनें देखने को मिल रही है, ये क्या है, ये जो है ये इक्वेटर के पैरेलल लाइन है, यानी कि ये जो है लैटिट्यूड है जो कि एक एक डिग्री पे आपको जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखोगे 32 डिग्री नॉर्थ पे है और ये जो है 36 डिग्री के नॉर्थ पे, यानी कि इसके बीच में भी जो है बहुत सारे लाइन और रहती हैं। अब यहाँ पे
जो हम लोग बात करते हैं कि इंडिया कहाँ पे है, तो इंडिया आप देखोगे टोटल जो है यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट जो है ये नॉर्थ से शुरू होता है, ये साउथ जो है वो दिया हुआ ये नहीं है, नॉर्थ से जो है वो शुरू होता है, क्योंकि हम लोग जो पूरा जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, यानी कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर जो 0 डिग्री लेटीट्यूड है उसके ऊपर जो हम लोग लाई करते हैं तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है, नीचे जो होता है ये होता है सदर्न हेमिस्फीयर, और हम लोग जो है वो कम्प्लीटली नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, और 8 डिग्री 4 मिनट से जो है वो इंडिया का लोकेशन शुरू होता है और ये जाता है नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 36 मिनट नॉर्थ तक जो है वो इंडिया फैला हुआ है जो कि यहाँ तक है। ये तो हो गया लेटीट्यूड वाला इलाका, और केवल लेटीट्यूड से जो हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे जो है लोकेशन है, और ये मैंने जब पढ़ाया था तो बताया हुआ था कि अगर कोई कहता है कि केवल लेटीट्यूड से जो है पता चल जाए तो लेटीट्यूड से कोई भी चीज़ जो है पता नहीं चल जाएगा, क्योंकि लेटीट्यूड है आप देखोगे ये है 37 डिग्री, यहाँ पे है कि 37 डिग्री 6 मिनट अगर मैं नॉर्थ कहूँ और 37 डिग्री नीचे कहूँ तो भी जो है वो पता नहीं चलेगा जब तक हम इसमें लॉन्गिट्यूड जो है वो नहीं लाएंगे, और लॉन्गिट्यूड जो है वो टाइम के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब जो इंडिया का लॉन्गिट्यूड होता है वो होता है 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट से ईस्ट से, ठीक है ये ईस्ट है, ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जो है वो आपको लॉन्गिट्यूड देखने को मिलता है, हम लोग कम्प्लीटली जो है वो ईस्ट में जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि गुजरात के कच्छ से लेके यहाँ से लेके इधर जो है आपको अरुणाचल प्रदेश के लास्ट तक ये जो है पूरा जो फैला हुआ है इंडिया वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके आपको 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से पूरब से लेके 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक जो है वो फैला हुआ है लॉन्गिट्यूड में। अब जब किसी भी पॉइंट का लॉन्गिट्यूड मिल जाता है तो इसका मतलब हमें जो है उस रीजन का पूरा एरिया मिल जाएगा, यानी कि अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे जो है वो तिब्बत में खींचता हूँ और कहता हूँ इसका लोकेशन दो, तो इसका हमें क्या चाहिए, सबसे पहले लेटीट्यूड चाहिए, लॉन्गिट्यूड चाहिए, तब जो हम इसका पॉइंट जो है एग्जैक्ट जो है ये बता सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो हो गया पूरा जो है वो आपको देखने को मिल गया। अब टाइम के हिसाब से जो लॉन्गिट्यूड होता है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और यही रीजन है कि आप देखोगे आपकी किताब में है कि दिया हुआ है कि जो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो 2 घंटा जो है बाद में आपको गुजरात में जो है वो सूर्योदय देखने को मिलता है, और इसका इसलिए कि यहाँ से आप देखोगे तो ये जो है आपको देखने मिलेगा कि ये जो डिस्टेंस है ये इतना जो है लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट और जो लॉन्गिट्यूड है इसमें जो है सूर्य को ट्रेवल करने में जो है 2 घंटे का समय लग जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो टाइम जो है वो यहाँ पे कहीं 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे ईस्ट पे जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा प्राइम टाइम मेडिटेरियन है। अब टाइम मेडिटेरियन क्या होता है ये मैंने चैप्टर में आपको बताया था कि जो टाइम के लिए महत्वपूर्ण होता है जहाँ से जो है वो टाइम हमारा शुरू होता है, और ये होता है कि जो इंग्लैंड में ग्रीनविच है वहाँ से 0 डिग्री से शुरू होता है, उसके हम लोग ईस्ट में जाते हैं तो टाइम जो है प्लस होता जाता है, जैसे इंडिया का जो है वो प्लस 5:30 जो है वो आपको इंडिया का देखने को मिलेगा, तो इतना जो है वो इंडिया का प्लस होता है, और इंडिया में जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से यूपी का जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया का जो प्राइम मेडिटेरियन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो जो है गुजरता है, और उसी को जो है प्राइम मेडिटेरियन जो है वो हम लोग मान के चलते हैं, और वहीं से जो है वो सारा टाइम शुरू होता है, और ऐसा इसलिए भी करते हैं कि अगर मान लो हम एक टाइम डिफाइन जो है यहाँ पे करते हैं मिर्ज़ापुर में जो कि हमने डिफाइन कर रखा है, एक हम अरुणाचल प्रदेश में करते हैं और एक हम यहाँ पे करते हैं, और कहते हैं कि यहाँ जब 6 बज रहा है तो सूर्योदय करेंगे, यहाँ जब 6 बज रहा है तब सूर्योदय करेंगे, तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ से जब सूर्योदय होता तो यहाँ नहीं होता, यानी कि यहाँ टाइम हमें जो है वो 2 घंटा स्लो करना पड़ेगा तब जाके जो है ऐसा होगा। अगर हम 2 घंटा स्लो करते तो अब कोई अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में आ रहा है तो उसे अपने घड़ी जो है वो हमेशा 2 घंटे जो है स्लो करना पड़ेगा, कोई गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में जा रहा है तो 2 घंटा फास्ट करना पड़ेगा, कोई बीच में कहीं आ रहा है तो 1/2 घंटा 1 घंटा स्लो फास्ट करना पड़ेगा, तो वैसे में हर ट्रेवल करने वाले को जो है वो दिक्कत आती है कि कैसे टाइम जोन को जो है मैनेज करने, इसलिए हम एक ही टाइम रखते हैं कि किसी भी जो है वो देश का कोई भी नागरिक किसी भी पार्ट में ट्रेवल करे टाइम सेम रहेगा, लोकेशन में डिफरेंस हो सकता है, जो डे है उसमें डिफरेंस हो सकता है कि यानी यहाँ 2 घंटा पहले सूर्योदय हो रहा है, यहाँ 2 घंटा बाद हो रहा है, यहाँ 2 घंटा जो है आप देखोगे पहले जो है सूर्यास्त होगा तो यहाँ 2 घंटा जो है बाद में जो है वो सूर्यास्त होगा, तो इसलिए जो है ये लोकेशन के लिए जो लॉन्गिट्यूड है लेटीट्यूड है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो लॉन्गिट्यूड है ये टाइम के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं जो अगला टॉपिक है वो है कि इंडिया का जो है वो साइज कितना है, ये लॉन्गिट्यूड आप देख लिए। अब इसमें एक आता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि जो कर्क रेखा है ये कहाँ से गुजरता है, जो कर्क रेखा है इंडिया के ये गुजरता है 23 डिग्री 30 मिनट पे जो है वो नॉर्थ से गुजरता है,
ईस्ट से जो है नॉर्थ से जो है आपको गुजरता हुआ नजर आएगा। अब ये बात करते हैं कि ये जो गुजरता है ये ऑलमोस्ट इंडिया को, जो ये कर्क रेखा आप देखोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखोगे, ये ऑलमोस्ट इंडिया को दो भागों में जो है बांटता है, एक ऊपर का भाग एक नीचे का भाग। और इंडिया में तकरीबन जो है वो आप जो देखने मिलेगा टोटल 8 राज्यों से जो है ये होके गुजरता है, जिसमें से आप देखोगे यहाँ पे गुजरात आता है, राजस्थान आता है, उसके बाद MP आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, वेस्ट बंगाल आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है, ऐसे जो है ये टोटल 8 राज्यों को जो है वो होके गुजरता है, जो कि मैंने आपको जो है बता दिया था मैप के सहारे। जो है मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो इंडिया का साइज़ है वो कितना है। तो जो इंडिया का आप साइज़ देखोगे वो जो है आपको देखने को मिलेगा कि मिलियंस में, अगर हम बात करते हैं मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, तो साइज़ क्या होता है कि जो ये पूरा इंडिया का लोकेशन है, यानी कि इनमें से आप देखोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका लैंड मास है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि जो इसका टोटल एरिया है, और साथ में ये जो अंडमान निकोबार है ये भी हमारा है, तो इसका जो एरिया है, और इधर लक्षद्वीप जो है इसका भी जो है वो एरिया हमारा है, तो इसको भी जो है वो मिला के, तब यहाँ पे जब हम इस तरह से देखते हैं तो जो टोटल एरिया आता है वो मिलियंस स्क्वायर किलोमीटर में वो आता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इसके आप इंडियन टर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये होता है 32,80,000, यानी कि 32,80,000 जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, कितना किलोमीटर स्क्वायर में जो है वो टोटल इंडिया का एरिया है। इंडिया से बड़े जो है वो 6 कंट्री है, इंडिया एरिया में जो है वो 7वां कंट्री जो है वो आता है, और इससे बड़े आप देख सकते हो यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो है रसिया, और रसिया जो है आप देखोगे इंडिया के ऑलमोस्ट जो है वो 6 टाइम है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप जो है वो 16.07 है, 6 पॉइंट नहीं थोड़ा सा कम हो, ऑलमोस्ट 5.5 पॉइंट के आसपास, यानी कि 17 मिलियन जो है वो आपको देखने मिलेगा, 17.07 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। ऑलमोस्ट आप कहोगे तो 1 लाख ये भी हो जाएगा, 170 लाख किलोमीटर के आसपास जो है आपको स्क्वायर किलोमीटर टोटल रसिया का जो है वो ज़मीन है। उसके बाद आता है कनाडा का, जो कि आप एरिया यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद USA का, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद जो है टोटल यहाँ पे इंडिया जो है वो 7वें नंबर पे आता है एरिया में। तो ये तो हो गया इसका साइज़। अब जो टोटल लैंड मास है इंडिया का, ये पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल है, जो पूरा वर्ल्ड है उसका जितना भी लैंड मास है उसका 2.4% जो है वो टोटल इंडिया जो है वो ऑन करता है। 2.4% परसेंटेज के हिसाब से जो है काफ़ी कम देखने को लग रहा है, लेकिन 2.4% अपने आप में एक बहुत ज़्यादा एरिया है, जो कि आप इस मैप से देख सकते हो। इसके अलावा आप इंडिया में इसमें जो है इस टॉपिक में आपको दो चीज़ें और पढ़ना है, कि एक पढ़ना है कि जो इंडिया का लैंड बाउंड्री है, यानी कि ये वाला यहाँ से शुरू होकर गुजरात से, जो कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, इधर से जाकर देखोगे तो आप अफगानिस्तान है, फिर इधर से तिब्बत वाला इलाका है, उसके बाद से जो आप देखोगे यहाँ पे नेपाल है, जो कि ये लैंड मास वाला इलाका आ रहा है, और उसके बाद से जो है यहाँ पे भूटान है, भूटान के बाद इधर देखोगे म्यांमार शुरू हो जाता है, म्यांमार के बाद जो है आप इधर बांग्लादेश देखोगे, तो ये जो एरिया है टोटल, यानी कि जहाँ पे हम बॉर्डर शेयर करते हैं किसी ना किसी कंट्री से, ये कितना है, तो ये जो आपको देखने को मिलेगा 15,200 किलोमीटर जो है ये लैंड बाउंड्री है इंडिया का। कितना है, तो 15,200 किलोमीटर आपको जो है देखने को मिलेगा, जो कि एक अपने आप में बहुत ही बड़ा जो है वो लैंड बॉर्डर है इंडिया का। और कितने देशों से जो है वो शेयर करता है, तो इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तिब्बत है, और उसके बाद से यहाँ पर देखोगे तो ये है नेपाल, यहाँ पे भूटान, बांग्लादेश, और ये है आपको देखने मिलेगा म्यांमार। इतने देशों से जो है हम लोग लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। अब आता है कि लैंड बॉर्डर देख लिया 15,200 किलोमीटर है, तो अब कोस्ट लाइन एरिया जो क्या होता है, तो कोस्ट लाइन एरिया वो होता है जो एरिया हम लोग समुंदर के साथ जो है वो शेयर करते हैं, पानी के साथ शेयर करते हैं, तो यहाँ से गुजरात से लेके ऐसे जो कि अरबियन सी से शेयर करते हैं, और उसके बाद से जो है नीचे वोडी इंडियन ओशियन से शेयर करते हैं, और फिर इधर बे ऑफ बंगाल से शेयर करते हैं, तो ये वाला जो है वो कोस्ट लाइन एरिया है। और इसके साथ साथ जो अंडमान निकोबार में ये देखोगे आइलैंड जो है, यहाँ पे भी जो है हम लोग बे ऑफ बंगाल से इंडियन ओशियन से जो है वो एरिया शेयर करते हैं, ये भी कोस्ट लाइन के एरिया, और साथ में लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप ये वाला इलाका है जो है, तो यहाँ पे भी जो हम लोग कोस्ट लाइन से जो है वो शेयर करते हैं, तो इन सबको मिला के टोटल जो होता है ये होता है 7,516.6 किलोमीटर जो है एरिया हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं, ये है कोस्ट लाइन एरिया। यानी कि हमने देख लिया कितना लैंड मास, देख लिया कितना है इंडिया का 32,80,000 किलोमीटर, उसके बाद से हमने देख लिया यहाँ पे 15,200 जो है वो आपको किलोमीटर देखने को मिलेगा क्या, तो टोटल जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया, और उसके बाद जो है इंडिया यहाँ पे क्या शेयर करता है, तो वो शेयर करता है आपको टोटल जो एरिया है कोस्ट लाइन का वो कितना है 7,516.6 किलोमीटर। इसके आगे का जो टॉपिक है वो है इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया एंड वर्ल्ड में आप देखोगे कि इंडिया जो है वो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, जो कि अभी का जो है हमारा इंडिया है, और उसके बाद से यहाँ पे जो है कुछ अंडमान निकोबार का आइलैंड है हमारा, और यहाँ पे लक्षद्वीप का आइलैंड है, ये जो है टोटल इंडिया का एरिया है।
अब यहाँ पे देखोगे तो इंडिया एंड वर्ल्ड के हिसाब से देखोगे तो इंडिया जो है एक ऐसे स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे जो है वो विराजमान है, जहाँ पे आप देखोगे इसका जो पूरा एरिया है बहुत ही बड़ा कोस्ट लाइन एरिया है, जो कि पूरा ये समुद्र खाली है जिससे हम लोग जुड़ते हैं। इसके ईस्ट में देखोगे ये वाला एरिया जो है वो पूरा आसियान कंट्री है, एशियाई है, आसियान कंट्री है, जहाँ से जो हम लोग व्यापार पूरा इधर आसियान से चाइना रसिया साथ में यूएसए का जो है व्यापार हम इधर करते रहते हैं। उसके अलावा इसके वेस्ट में देखोगे तो भी जो है ये क्या है, ये भी जो है वेस्ट में ये पूरा जो है क्या है, एशियाई है, तो जहाँ से हम लोग एशिया से जो है कनेक्टेड रहते हैं। इसके अलावा इसके नॉर्थ में देखोगे तो नॉर्थ में जो है थोड़ा सा कनेक्टिविटी हमारा कम रहता है, और इसका रीजन है हिमालय जो है यहाँ पे खड़ा है, जिससे जो हम लोग डायरेक्ट जो है कनेक्ट नहीं हो पाते एशिया से। ये कनेक्टिविटी के लिए जो है हम लोग कनेक्ट ऐसे डायरेक्ट जो है वो नहीं हो पाता, लेकिन इसमें बहुत सारे पासेज हैं जिससे जो हम लोग यहाँ से भी जो है कनेक्टिविटी बना के रखे हैं, और पूरा जो हम लोग यहाँ से कनेक्टिविटी होता है। लेकिन हमारा पड़ोसी जो है इधर के इलाके में देखोगे कि पाकिस्तान है, जो कि इधर से जो है रास्ता थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके अलावा देखोगे आप नीचे की तरफ, नीचे की तरफ देखोगे ये जो है पूरा ओशियन जो है वो खाली है, और ये ओशियन जो है ये है इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन हमारे नाम पे है, तो ये पूरा जो है हम लोग डोमिनेशन जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं, रह सकते हैं। और इसके जरिए ये जो ओशियन है इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अफ्रीका से जुड़ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ सकते हैं, इधर जो है हम लोग अमेरिका से जुड़ सकते हैं, दोनों अमेरिका से, और साथ में इधर से भी जो हम लोग अमेरिका से जुड़ते हैं, और इधर से यहाँ पे जो है आपको देखने मिलेगा कि ये जो है स्विज कैनाल बनाया गया था, जिसकी वजह से जो आप देखोगे जो ये पूरा यूरोप वाला एरिया है, जहाँ पे जो है यूरोप से कनेक्टिविटी जो हम लोग करते हैं। तो पहले यूरोप से कनेक्टिविटी कैसे होता था कि यहाँ से जाके हम लोग ऐसे जाते थे मेडलसुर के होकर जो है यहाँ पे केप ऑफ गुड आते थे, ये साउथ अफ्रीका है, तो यहाँ से होते थे हुए फिर हम लोग जाके ऐसे पूरा अटलांटिक ओशियन पार करके जो है वो यूरोप में पहुँचते थे। लेकिन 1889 में यहाँ पे 1869 में जो है वो आपको देखने लगा स्विज कैनाल जो है यहाँ पे मिस्र को जो है वो अलग अलग करके बनाया गया, और इससे जो है स्विज कैनाल से टोटल 7,000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो यूरोप में जो है ये जाने से बच गया, यहाँ से जो हम लोग डायरेक्ट जब चले जाते हैं। तो ये जो था इंडिया एंड वर्ल्ड, कैसे जो है इंडिया कनेक्ट हो रहा है, और ऐसा ही नहीं कि अभी के टर्म में जो हम लोग ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं, एशियन टाइम में भी देखोगे तो इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, अभी भी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। और पहले जब हम लोग आज से देखोगे 3,000 साल 4,000 साल पहले भी जो है इंडिया व्यापार करता था, और इसका एग्जांपल है कि जो इंडिया के मसाले हैं, इंडिया की जो किताब हैं, जो कि बहुत पहले उपनिषद की किताब है, जो हमारे रामायण है, महाभारत है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, वो पूरे यूरोप में आप देखोगे, मेसोपोटामिया में, बाकी जगह जो है आप देखोगे इधर सब जो है वो फैला हुआ है, और वहाँ सब जो है इसके प्रूफ देखने को मिलते हैं। इसका रीज़न है कि उस समय भी जो है व्यापार होता था, और इंडिया उस समय भी जो है वो कनेक्टेड था पूरे वर्ल्ड से। तो ये तो जो था मतलब तीसरा टॉपिक जो है वो पूरे चैप्टर का था। चौथा जो टॉपिक है वो है कि इंडिया एंड नेबर्स। इंडिया एंड नेबर्स में आप देखोगे कि इंडिया और इसके पड़ोसी जो है वो हमें देखना है, और यहाँ पे देखोगे ये जो है पूरा गूगल मैप का जो है वो आपको स्क्रीन शॉट देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो है पूरा इंडिया है अभी के हिसाब से, जो है ये हमारा पूरा इंडिया है, और यहाँ पे देखोगे इंडिया में तो आपको जो देखने को मिलेगा कि टोटल जो आप कंट्री देखोगे तो वो जो है आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हो कि यहाँ पे आपको जो है दो कंट्री जो है यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। बाकी जो आप देखोगे बचपन में भी ये एक ट्रिक है ताकि आपको जो है याद कर सको, और सारे एक एक वर्ड के जैसे बचपन में बी आता है तो बांग्लादेश हुआ, च आता है, च से सी आता है तो चाइना हुआ, और उसके बाद पी पी से प आता है तो पाकिस्तान हुआ, एन से जो है आप देखोगे यहाँ पे नेपाल हुआ, एम में जो है म्यांमार हुआ, और बी ए में जो है भूटान हुआ, एक अफगानिस्तान हुआ। इसके अलावा दो आइलैंड कंट्री जो है वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, नीचे साउथ में जो है वो श्रीलंका है, और यहाँ पे जो है ये है मालदीव, मालदीव जो है हमसे जुड़ा हुआ है। तो ये आपको एसएम करके जो है वो याद कर सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं एक बार तो ये जो पड़ोसी देश है वो कैसे जो है आप बांट सकते हो, जैसे आपके बुक में जो है जिस हिसाब से दिया है ताकि आप अच्छे से जो है याद कर सको। तब यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले नॉर्थ और वेस्ट वाला में देखो तो ये जो है वेस्ट है और ये जो है नॉर्थ है। तो नॉर्थ वेस्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे वो देखने को मिलेगा कि कौन सा कंट्री है, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान है। उसके बाद से आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे जो है ये पास है जिसके जरिए जो है वो अफगानिस्तान जो है हमसे जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो है आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो है आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने मिलेगा, नॉर्थ में आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट में जो है तो यहाँ पे जो है आपको ये तिब्बत वाला इलाका है जिसे चाइना जो है कब्जा कर रखा है, तो ये तिब्बत वाला इलाका है जिसे जो है हम लोग चाइना जो है वो क्या बोलते हैं, अभी चाइना जो है चाइना का ये एरिया है, चाइना जो है यहाँ पे है। उसके अलावा जो है ये है नेपाल, और यहाँ पे नॉर्थ में आप देखोगे तो नेपाल है, चाइना है, इसके अलावा जो है आपको भूटान है, और यहाँ पे देखोगे आप ईस्ट में तो ईस्ट में आपको आता है बांग्लादेश, और ये है म्यांमार जो कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर पूरा यहाँ मिजोरम तक जो है वो है, और साथ में इधर त्रिपुरा से भी जो है वो भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो है म्यांमार है। और इसके अलावा साउथ में देखोगे तो साउथ में जो है दो कंट्री है जो कि हमसे जुड़ा हुआ है, एक श्रीलंका और एक है यहाँ पे
मालदीव जो है वो देखने को मिलेगा, और श्रीलंका जो है ये पल का स्ट्रेट से या गल्फ ऑफ मन्नार से जो है वो जुड़ा हुआ है इंडिया से। तो ये वाला जो एरिया है पूरा पानी वाला, इसी को जो है गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो बोलते हैं, इसी से जो है ये जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इंडिया का जो कुछ एरिया है ये है अंडमान निकोबार का, और यहाँ पे जो है आपको लक्षद्वीप जो है वो देखने को मिलेगा। ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरबियन सी है, और ये जो है वो इंडियन ओशियन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है वो कुछ ये चैप्टर था जहाँ पे जो हमने मैप के सहारे ये पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर लिया है। इसके अलावा जो भी इसे क्वेश्चन बनते हैं, आंसर बनते हैं, एक माइंड मैप जो है वो भी मैं तैयार कर दूँगा, ताकि आपको जो है एक अच्छे से पूरा चैप्टर जो है वो पूरा रिविजन के साथ जो है एक अच्छे से आप उसे जो स्टडी है वो कर सको, रिमेम्बर जो है वो कर सको। बिल्कुल रटना नहीं है, बिल्कुल जैसे समझाया है वैसा ही जो है आपको समझ के सारी चीज़ें जो है वो करना है। तो होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट जो है बिल्कुल भी मिस ना करो।